never made it. Hey guys, welcome back to my channel Style Classy. How are you all? तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है, एक्चुअली मैंने एक वीडियो डाला था आज से डेढ़ महीना पहले अप्रॉक्स, जिसमें मैंने कोरियन स्किन केयर फॉलो करने की बात कही थी. एंड मैंने बोला था कि उसका जो भी फ़र्क मेरी स्किन पर पड़ेगा वो मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों के बाद शेयर करूँगी. तो अभी एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है. एंड मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अभी जाकर के फिनिश हुए हैं, क्योंकि उसमें जो मैंने एक किट यूज़ करी थी एट्यूड हाउस की, जो मैंने नायका से ख़रीदी थी, वो मेरे पास दो किट थी, तो मैंने वो दोनों किट फिनिश करी हैं. बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बच गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे. जैसे कि मेरा आई क्रीम जो था वो भी बहुत ज़्यादा था, नाइट का जो पैक था वो भी बहुत बड़ा वाला टब था, तो वो सारे बचे हुए हैं. तो अभी हम आ जाते हैं टॉपिक पे. तो फ़र्क की अगर बात करें तो जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसका जो टोनर है, हम जो टोनर यूज़ करते थे पहले, फ्रेंड्स वो वाले टोनर जो मैं पहले यूज़ करती थी वो हाइड्रेट नहीं करते थे स्किन को. एंड अभी जो मैंने कोरियन टोनर यूज़ किया वो स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं. एंड मेरी स्किन का जो ड्राइनेस था वो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी चला गया है, मतलब काफ़ी हद तक, कुछ हद तक कम हो गया है. एक से डेढ़ महीना लगाने के बाद स्किन का जो ड्राइनेस है वो कम हो गया है. आप मेरे स्किन का टेक्सचर देख सकते हो. अभी तो मैंने फ़िलहाल हल्का फुल्का मेकअप लगाया हुआ है, बट मेरी स्किन मुझे थोड़ी पहले से थोड़ी स्मूथ लगती है. हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन क्लीन हो गई है. जब भी मैं रात को या सुबह, बेसिकली सुबह मैंने रेगुलर फॉलो नहीं किया है, बट रात को मैंने रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो किया है. एंड वो लगाने के बाद कुछ टाइम तक आपको थोड़ा सा स्टिकीनेस फील होगा, ऐसा लगेगा आपने कुछ लगा रखा है फेस पे, बट एब्जॉर्ब होने के बाद आपको आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड सप्पल सी लगेगी. ऐसा लगेगा जैसे कि किसी बच्चे की स्किन है. बहुत ही अच्छा एक टेक्स्चर आ जाएगा आपके स्किन पर. आपको लगेगा जिन्हें आप नोटिस भी कर पाओगे. एंड वो आप खुद नोटिस कर पाओगे. अगर आप किसी को पूछोगे ना कि मैं ये चीज़ें यूज़ करती थी तो कुछ हुआ है, चेंज हुआ है, तो लोगों को बेसिकली वो आपके कलर से जज करते हैं. स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हुआ है कि नहीं वो आपको खुद पता लगेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्किन का टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. एंड अभी तो फ़िलहाल मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. एंड अभी मेरा जो एरिया है लॉकडाउन के कारण, रेड जोन में है, तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसा एसिड डिलीवरी वगैरह भी नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए मैं स्किप कर रही हूँ. जब भी डिलीवरी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो मैं वापस से मंगाऊँगी, वापस से यूज़ करूँगी. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू कोरियन स्किन केयर पर, कि उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है. तो अगर आप लोग भी फॉलो करना चाहें तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं लॉकडाउन के बाद प्रोडक्ट्स बाय करके. सो बाय.